दोस्तों, किसी भी वेपन को जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, किसी भी हथियार को जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और रिवॉल्वर नहीं, तो जैम जो है ये ज़्यादा होते हैं। ये जो है मेरे पास ग्लॉक है, तो आज हम देखेंगे कि इसको मेंटेन किस तरह करना है, क्लीनिंग उसकी किस तरह करनी है। तो सबसे पहले तो जो है सेफ्टी के लिए आप मैगजीन निकाल देंगे, देख लीजिए कि मैगजीन खाली है। और सेकंड मेथड होगा कि मैगजीन निकालने के बाद आपको ये देखना है कि सेफ्टी के लिए चेंबर में कोई गोली ना रह गई हो, क्योंकि अक्सर जो है वो न्यू बीज जो होते हैं या नए लोग होते हैं वो अक्सर ही गलती कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि मैगजीन निकाल दी तो इसका मतलब वेपन सेफ है। लेकिन जब तक आप इस वेपन के सी थ्रू ना देख लें तब तक जो है वो सेफ्टी जो है 100% नहीं है, इसका मतलब कोई भी बुलेट जो है वो चैम्बर में लोड नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो दो बटन्स दिए हुए, उनको आपको नीचे पुल करना है, एंड देन आप इसको फिर आप जब ट्रिगर पुल करेंगे तो ये जो ऊपर की जो मेटल पार्ट है वो निकल आएगा। तो ये देख सकते हैं ये पॉलीमर पिस्टल है ग्लॉक जो है वो, और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बन बिल्ड है यहाँ पे, तो इसे आपको टाइम टू टाइम जो है वो क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि एवरी टाइम जब आप जब शूट करते हैं और जब प्रैक्टिस शूटिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो कार्बन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो जब जरूरत पड़ेगी अगर आपने इसकी जो है वो क्लीन नहीं की है तो डेफिनेटली ये जो है वो जब आपको जरूरत होगी तब शायद जाम भी हो जाए। तो इस पीस को आपने निकाला, फिर ये रही इसकी स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग जो है वो उसे निकाल दिया, और फिर जो है इसकी बैरल निकाल दिया आपने। तो ये कुछ हिस्सों में जो है वो आपके सामने ये चार पीसेस हैं, स्प्रिंग है आपकी, बैरल है आपका, जो ऊपर का मेटल पीस है बहुत इंपॉर्टेंट पीस है ये, इसे भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं काफ़ी कार्बन बिल्ड हुआ है इस पर। तो सबसे पहले तो जो है वो आप कोई भी फैब्रिक लेके जो है वो फैब्रिक रब करके ट्राई करें, हल्का 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 ज़रा उसे, मतलब आप इसे हल्का हल्का जो है रब करें ताकि जो है वो इस फैब्रिक जो है उसकी, आप देख सकते हैं कि देखें वो हो गया, काफ़ी डस्ट निकल रही है इसमें से, ये देखें। तो ये देखें अभी मैं फिर फैलता हूँ इसमें, तो आप ये देखें इतना सारा कार्बन बिल्ड है। तो किसी भी हथियार को जो है आपको डेफिनेटली इसकी सफाई ज़रूरी है, तो आपने लेकिन ट्राई कीजिएगा ज़रा हार्श जो है एकदम जो है उसे आप बिल्कुल वो ना करिए, क्योंकि अगर इसके फैब्रिक जो है वो इसका फैब्रिक जो है इसके जो रेशे हैं वो अगर इस पर लग गए तो मज़ा नहीं आएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल गुड। तो आपने हल्की हल्की सफाई हाथ से पहले करनी है हर चीज़ की, स्प्रिंग भी आपने सेम चीज़, आपने स्प्रिंग को जो है वो, और फिर जो है बैरल सबसे एंड में, लेकिन काफ़ी कार्बन बिल्ड हुआ है ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये देखें इस केस तरफ देखें, और ये जो है फैब्रिक क्लीन फैब्रिक दिया हुआ है, ये देखें आप देख सकते हैं काफ़ी कार्बन हमने उठा लिया इसमें से। तो इस आपकी वेपन की जो है वो लाइफ जो है बढ़ जाती है जब आप टाइम टू टाइम इसे क्लीन करते हैं। मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करता हूँ डेफिनेटली, और फिर वॉश करके आप उसे, मैं एक यूज़ करके फिर देन आई डोंट यूज़, मैं वापस यूज़ नहीं करता इसे, बिकॉज आई डोंट लाइक टू यूज़ दोस वॉशेबल क्लोथ, बट डेफिनेटली सबकी अपनी मर्जी है। तो मतलब आपने हल्का 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 इजी इजी इसे क्लीन करना। अब बात रही बैरल की, तो बैरल के जो है वो हिस्से को आप पहले ऊपर से क्लीन कर लीजिए, और इस तरफ का जो है वो आप देख भी सकते हैं कि बिकॉज ऑफ शूटिंग बुलेट्स यहाँ पर जो है वो काफ़ी कार्बन बिल्ड हुआ हुआ है, देखिए काफ़ी टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई इसलिए। लेकिन बात अब जो है आपने कपड़े को साइड में रखे, आपने इस किस्म के ब्रश का इस्तेमाल करना है और इसे बैरल में डालना है, और फिर ट्विस्ट करना है आपने इसे, ऐसे आपने अंदर जाने देना, एक दो बार जाने देना आपने अलग अलग पोजीशंस में। फ्रंट से भी आप कर सकते हैं, और जो है ये आपकी जो है बैरल जो है तैयार हो गई। अब आप जो है उसे, अब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑल इन वन जो है वो ऑयल जो होता है उसे लुब्रिकेट थोड़ा सा हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने लगाना है। मेरे पास में कोई और कोई ऑयल अवेलेबल नहीं, तो मैं इट्स रेगुलर हल्का हल्का सा ऑयल जो थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगा ताकि लुब्रिकेशन मिल जाए। और ये मिथ है कि आप ये ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, ये ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी ऑयल जो है लुब्रिकेट ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं हल्का हल्का सा आपके पास, देखिए हल्का हल्के से टॉप लगाने आपने वो भी मेटल पीसेस पर, ताकि लुब्रिकेट थोड़ा सा रहे, ज़्यादा नहीं लगाना आपने, ख्याल रहे, हल्का हल्का जो है आपने ब्रश से जो है इसे स्प्रेड कर देना बस, ज़रा ऑयल ना लगाइएगा ताकि ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा ऑयल से जो बर्तन जो है वो उसमें भी मज़ा नहीं है, ख़राब हो सकते हैं। हल्की पुल किसी जो है आपने हल्की हल्की करनी है, अब चूँकि देखें आप देखें कितना कार्बन निकला, सिर्फ ऑयल लगाने से कार्बन निकला, तो आप सोच सकते हैं कि, और आपने फिर ऑयल लगाने हल्का फुल्का आपने वाइप भी कर लेना ताकि एक्सेस ऑयल जो निकला है हल्का हल्का, ज़रा नहीं प्लास्टिक जो होगा, हल्की फुल्की से जो हो इसे भी हल्का फुल्का सा ऑयल लगा देंगे हम स्प्रिंग को, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा, बिल्कुल ज़रा नहीं, बिल्कुल ज़रा नहीं, ताकि उसमें थोड़ी सी जो है लुब्रिकेंट आए तो इट परफॉर्म लिटिल बेटर, अच्छी तरह परफॉर्म करेगी पायरिंग, और हल्का सा बैरल में जो है हम जाने देंगे वह बस, एक आध दो ड्रॉप डाल दिया आपने, और आपने इसे फिर जैसे अब आपकी बैरल भी जो है लुब्रिकेंट हो गया किसी, ट्राई कीजिएगा ज़्यादा ना लगाइएगा बिल्कुल, और वाइप कर दीजिएगा एक्सेस ऑयल, और लास्ट बट लीस्ट जो है वो इस मेटल के पीस पर भी आपने हल्की फुल्की सी ऑयलिंग करनी है। बहुत से लोग WD-40 भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑयल जब तक ऑयल यूज़ करें बेटर है आपके लिए। अब जो है हल्का सा फिर आपने एक्सेस ऑयल को साफ कर देना, और ये जो था आपकी, अब आप जो है वापस से इस बैटन को जो है रिफिट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने वापस बैरल लेनी है, और बैरल को जो है वो फिट कर देना इसमें। सेकंड जो है वो आपको आपकी स्प्रिंग लगानी है,
ये चीज़ होगी। अब जो है आपने प्लास्टिक पीस जो है पॉलीमर पीस जो है उसे लेके आपने उसे हल्का फुल्का सा आराम से इजी स्मूथ जाने दीजिएगा, ज़रा जोर ना लगाइएगा और फिर आप उसे काट देंगे और ये जो है वो आपकी क्लीनिंग जो है वो डन होगी। ऐसे ये जो है आपका बर्तन वापस से रेडी हो गया दो तीन बार शूटिंग रेंज में ले जाने के लिए। कोशिश कीजिएगा टाइम टू टाइम हमेशा अपने बर्तन को जो है वो मेंटेन रखिएगा और घर में अगर पेशल पड़ी तो ट्राई कीजिएगा कभी मैगजीन ना डालें ताकि आप हमेशा सर्टन हैं कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ऑयल आ रहा है थोड़ा सा बट स्मूथ आ गई इसमें आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।